हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। मैं हूं अमन। मैं हूं बानी। एंड आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंबानी लेट्स पर। सो जैसे कि पहले आपके लिए पवन सिंह के एक वीडियो लेके आए थे कि पवन सिंह अपने पे कितना खर्चा करते हैं एंड कि उनको उनसे ब्रांडेड चीजें उनके पास है जो वो पहनते हैं, एक चश्मे से लेके गाड़ी से लेके हर चीज महंगी से महंगी छोटी छोटी चीज का क्या प्राइस है। एंड उसी रिलेटेड मतलब पहले भी रजत सिंह जी ने वीडियो बनाई थी, आज इस बार भी रजत सिंह जी ने उनका सेकंड वीडियो बनाई वो खेसारी लाल के ऊपर। एंड खेसारी लाल यादव के जो कपड़े पहनते हैं, जो गोगल यूज करते हैं एंड कुछ भी मतलब गाड़ी जो यूज करते हैं उनको प्रॉपरली उनका वैल्यू क्या है एंड क्या क्या प्राइस की वो चीजें हैं, इस बारे में ये वीडियो होने वाली है। एंड आज पहले देखते हैं वीडियो कैसी है, उसके बारे में इस बारे में बात करेंगे। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड आज वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। नमस्कार दोस्तों, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव एक गाना रिलीज करते हैं। गाना में गुची ब्रांड का कपड़ा पहन लेते हैं और हम भी वही हरकत करते हैं जो नहीं करना चाहिए, उसका दाम जानने की कोशिश करते हैं। और पता है कितने का होता है वो? गुची ब्रांड का नॉर्मल टी शर्ट का दाम जो है वो $590 होता है। अब डॉलर जो है वो अमेरिकन करेंसी है, अगर उसको भारतीय में कन्वर्ट करें तो लगभग 50,000 रुपये का नॉर्मल सा टी शर्ट होता है खेसारी लाल यादव का, जो बस गहने में एक बारी पहनते हैं। 50,000 का। अब देखो यार, आप लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि ये सब हमें बताने की क्या जरूरत है। तो एक्चुअली हुआ ये कि पवन सिंह पे हमने ये वाला वीडियो बनाया था, उसके बाद लोगों ने कहा कि खेसारी भैया के बारे में भी बता दो, और मैंने कहा मैं नहीं दिखाऊंगा। फिर खेसारी भैया के फैन जो हैं वो अपने घर से निकाल के लाए दस्तावेज और खतियान, और उसमें से लिखे लिखे ऐसे ऐसे बात कहे कि हमने कहा मैं बता रहा हूँ। अब टी शर्ट के बारे में तो शुरुआत में ही बता दिया था, लेकिन उस फोटो में आपको पैंट भी दिखा होगा और पैंट पे भी बड़े सुनहरे अक्षर में लिखा हुआ है गुची। अब पैंट का दाम सुनिएगा तो आपको पैंट गीला हो जाएगा। पता है ये कितने का है? ये 98,000 रुपए का है, अगर इसको भारतीय रुपए में कन्वर्ट करते हैं। $1,040 की पैंट ओनली। दोस्तों ये बातें तो सिर्फ कपड़ों की थी, अब हम आपको बताने वाले हैं ऐसे ऐसे महंगे चीज देखने के बाद आप मतलब हैरान हो जाएंगे। तो आज से कुछ साल पहले चलते हैं, और याद होगा खेसारी लाल यादव पहनते थे सोना, मतलब गोल्ड के बड़े शौकीन थे खेसारी लाल यादव। गोल्ड पहनना कम कर दिया था। अंदर की खबर और कुछ न्यूज रिपोर्ट की माने तो खेसारी लाल यादव लगभग 1 किलो जो है वो सोना अपने पूरे बॉडी पे धारण करते थे, तो उसकी कीमत भी जान लीजिए, लगभग 54 लाख रुपए का सोना पहनते थे। लेकिन पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई खेसारी लाल यादव पे, उन्होंने सारा सोना उतार के ये वाला पहनना शुरू कर दिया। खैर ऐसा क्यों किया खेसारी लाल यादव ने, अगर किसी को पता हो तो कमेंट करो। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कार के बारे में। कार के शौकीन खेसारी लाल यादव नहीं है, क्योंकि मेरा काम करने वाले लोग रेंज रोवर से चढ़ते हैं। लेकिन बात करें अगर खेसारी लाल यादव के कार कलेक्शन के बारे में, तो वो 2 फॉर्च्यूनर और 1 थार का इस्तेमाल करते हैं, जो की लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा का गाड़ी होता है वो तीनों गाड़ी। और खेसारी लाल यादव इस कम से कम 3 गाड़ी के काफिला में तो चलते ही हैं। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं खेसारी लाल यादव का सबसे महंगा सामान, और वो है खेसारी लाल यादव का घर। अब कोई गरीब हो अमीर हो वो अपने जीवन का सारा पैसा झोंक देता है घर को बनवाने के लिए, लेकिन क्या आप जानते हैं खेसारी लाल यादव ने कितना पैसा खर्चा किया है घर को बनवाने के लिए, जो कि मुंबई में स्थित है। तो हम आपको बता दें उस घर की कीमत जो है वो 4 से 5 करोड़ रुपया है। और देखिए खेसारी लाल यादव का घर देख के आपको नहीं लगेगा कि ये 5 करोड़ रुपया का है, लेकिन खेसारी लाल यादव जहाँ पर रहते हैं वो अपना उनका ज़मीन है, मतलब वो किसी अपार्टमेंट में नहीं रहते हैं, अपना ज़मीन खरीद के घर बनवाए हैं। और इसके बारे में लोग पूछता है तो कहते हैं कि हम ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इसलिए ऊंची ऊंची अपार्टमेंट में नहीं रहते हैं, क्योंकि 5 करोड़ में हम बहुत लग्जरी अपार्टमेंट खरीद सकते थे। और मुंबई में आप ज़मीन का दाम जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो थोड़ा जानने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको दिखाने वाले हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे महंगा घर, मतलब इतना महंगा घर किसी का भी नहीं है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, गांव में। जी हाँ, बहुत सारे लोग घर बनवाते हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव जो घर बनवा रहे हैं उनका गांव का घर जो है वो बहुत ज्यादा प्यारा है, मतलब आप कुछ फोटोग्राफ्स देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। अगर इनके कुछ करीबी लोगों की माने, जो न्यूज रिपोर्टर्स यहाँ पे गए हैं उनकी माने, तो ये घर लगभग 3.5 करोड़ रुपया का बन रहा है, जो कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में कोई भी इंसान इतना पैसा खर्चा करके अपने गाँव में घर नहीं बनवाया है। लेकिन इसका फैक्ट चेक तो तब होगा जब ये घर बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का भी सबसे महंगा घर जो है वो दिनेश लाल यादव निरहुआ के पास है।
अब दोस्तों इसमें कुछ अगर छूट गया हो तो आप इंस्टाग्राम पे आके हमको मैसेज कर सकते हैं। बाकी अगर नहीं जाना चाहते इंस्टाग्राम पे तो कमेंट भी कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है यार, जबरदस्त वीडियो से यार। देखना देखा जाए यार, अगर पवन सिंह के पास भी यार शौकिया मिजाज के है गए, अगर महंगी महंगी चीजें पहनते हैं तो खेसारी लाल यादव भी कम नहीं है, मतलब कांटे की टक्कर चलती है दोनों में। तो देखा जाए यार खेसारी लाल यादव की, मेरे को एक बार बड़ी अच्छी लगी कि वो अपनी घर तो चलो मुंबई में तो अपना लिया ही लिया है, 5 करोड़ का घर है, पर अपने गांव में भी 3 करोड़ का घर बना रहे हैं, ये बात अच्छी लगी। जमीन से जुड़े अपने बंदे है गए हैं खेसारी लाल यादव, ये बात सही है, अच्छी बात है, तो होनी चाहिए यार। वैसे भी जैसे यार मेरे को इनके देख के ना एक अपने हमारे पंजाबी सिंगर है सिद्धू मूसेवाले की याद आ गई, जो उन्होंने अपने ही गांव अपने ही पिंड दे विच मतलब अपने ही गांव में बनाई अपने कोठी बनाई थी, उसको एक कोठी नहीं महल ही कह सकते हैं, जबरदस्त क्या महल बनाया था उन्होंने। एंड अब तो सिद्धू मूसेवाले नहीं रहे हैं, बट उनकी अभी भी है ना यार उस महल को जाने देखने के लिए डेली है ना लोग पता नहीं कितने लोग आते हैं, हजारों में लोग आते हैं, डेली आते हैं लोग। एंड चलो एंड बाकी वीडियो की इस बात अभी इधर ही करते हैं, एंड अच्छे अच्छे इसके रिलेटेड और भी वीडियोस लेके आते रहेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जितना हो सके दबा के सपोर्ट करो, शेयर करो, एंड मिलते हैं आपको अनदर एक्शन वीडियो पे।